हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। ये एक गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दिल का दौरा, स्ट्रोक और किडनी भी खराब हो सकती है। ब्लड प्रेशर का स्तर अगर 140:90 mm या उससे ज्यादा होता है तो उसे हाई समझा जाता है। हाइपरटेंशन आम तौर पर तब होता है जब शरीर में रक्त का स्तर तेज हो जाता है। ब्लड प्रेशर के कई आम कारण है, जैसे कि मोटापा, ज्यादा शराब का सेवन करना, ज्यादा नमक खाना, बराबर एक्सरसाइज नहीं करना, तनाव, किडनी की बीमारी एक्सेट्रा। अक्सर कई दवाइयां हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को दी जाती है, लेकिन आप ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कुछ आसान प्राकृतिक घरेलू उपाय भी आजमा सकते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल से डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप आपके ब्लड प्रेशर को कुछ घरेलू तरीके से नॉर्मल रख सकते हैं। नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला प्रमुख कारण है, इसलिए हाई बीपी वालों को नमक का प्रयोग कम कर देना चाहिए। लहसुन ब्लड प्रेशर ठीक करने में बहुत मददगार घरेलू उपाय है। यह रक्त का क्लॉट नहीं जमने देता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। एक बड़ा चम्मच आंवले का रस और इतना ही शहद मिलाकर सुबह शाम लेने से हाई ब्लड प्रेशर में लाभ होता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो आधा ग्लास मामूली गर्म पानी में काली मिर्ची पाउडर एक चम्मच घोल कर 2-2 घंटे के इंटरवल में पीते रहे। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को जल्दी कंट्रोल करने के लिए आधा ग्लास पानी में आधा नींबू निचोड़ कर 2-2 घंटे के अंतर से पीते रहे। 5 तुलसी के पत्ते और 2 नीम की पत्तियों को पीस कर 20 ग्राम पानी में घोल कर खाली पेट सुबह पिए 15 दिन में लाभ नजर आने लगेगा। नंगे पैर हरी घास पर 10 से 15 मिनट चले रोजाना चलने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। सौफ, जीरा, शक्कर तीनों बराबर मात्रा में लेकर पाउडर बना ले। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिश्रण घोल कर सुबह शाम पीते रहे। पालक और गाजर का रस मिलाकर 1 गिलास रस सुबह शाम पिए लाभ होगा। गेहूं व चने के आटे को बराबर मात्रा में लेकर बनाई गई रोटी खूब चबा चबा कर खाए। आटे से चोकर यानी के ब्रैन न निकाले। ब्राउन राइस उपयोग में लाए, ये हाई ब्लड प्रेशर रोगी के लिए बहुत ही लाभदायक भोजन है। प्याज और लहसुन की तरह अदरक भी काफी फायदेमंद होता है। इनसे आर्टरीज के आसपास की मसल्स को भी आराम मिलता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक इलायची के नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर प्रभावी ढंग से कम होता है। इसे खाने से शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है। 3 ग्राम मेथी दाना पाउडर सुबह शाम पानी के साथ ले, इसे 15 दिनों तक लेने से लाभ जरूर नजर आएगा। याद रखें, हाई ब्लड प्रेशर हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर भी हमारी सेहत के लिए कम खतरनाक नहीं होता है। इसीलिए किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले। अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ बेहतरीन उपाय है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.